राहु मार्स का एक साथ होना जो है वो कम्युनल टेंशन को बढ़ा सकता है। मार्स जैसा मैंने कहा फायरी प्लैनेट है, तो आग से रिलेटेड या फायर से रिलेटेड जो है हम कोई ना कोई ऐसा एक्सीडेंट या कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट सुन सकते हैं। ऑल्सो राहु जो है साइबर से रिलेटेड चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। सो हो सकता है कुछ साइबर क्राइम या कुछ फॉरेन इन्वॉल्वमेंट का, कोई कोई फॉरेन कंट्री का कोई इन्वॉल्वमेंट जिसके कारण कोई साइबर क्राइम या कोई एक्सीडेंट जो है वो हो सकता है। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट रिधि बहल। क्या है प्लैनेटरी पोजीशन और किस तरह से इस प्लैनेटरी पोजीशन का इम्पैक्ट हमारे देश को पे हमें देखने को मिलेगा, आज मैं आपके साथ यही डिस्कस करूँगी। गुरु जुपिटर और सैटर्न शनि दोनों के दोनों एक साथ मकर राशि में हैं। गुरु नीच के हैं, राहु टॉरस राशि यानी कि वृष राशि में गोचर कर रहे हैं। 13 फरवरी को राहु जो है वो रोहिणी नक्षत्र में आ गए हैं। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेटरी चेंज हुआ है जिसके बारे में मैं भी आपसे डिटेल में आपको बताऊंगी, वो है मंगल का राहु को टॉरस राशि में यानी वृष राशि में ज्वाइन करना। तो ट्रांजिट गोचर के हिसाब से आज जो है टॉरस में राहु और मंगल दोनों एक साथ हैं। और 13 मार्च को मंगल जो है वो भी रोहिणी नक्षत्र में आ जाएंगे। रोहिणी नक्षत्र जो है वो चंद्रमा का नक्षत्र है और काफी ही सेंसिटिव नक्षत्र है। अगर आप क्लासिक्स पढ़ेंगे, ज्योतिष के क्लासिक्स में भी ये मेंशन किया हुआ है कि महाभारत के समय में भी और रामायण के समय में भी ये पर्टिकुलर स्टोरीज भी दी गई हैं, कोट किया हुआ है वहाँ पे इंसिडेंट। एक राजा दशरथ को, रामायण के समय की बात है, राजा दशरथ को जो उस टाइम के राजज्योतिषी थे उन्होंने कहा था, उनको वार्निंग दी गई थी कि शनि जो है वो रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और इसके कारण जो है बहुत ही भयंकर अकाल पड़ेगा, बहुत महामारी फैलेगी और काफ़ी लोग जो है सफ़र करेंगे। महाभारत में भी कर्ण ने जो है एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस करके बताया था कि जी महाभारत जो है वो कौरव जो है लड़ाई हार जाएंगे। तो जो वो कैलकुलेशंस की थी उसमें कुछ 3-4 पॉइंट्स थे जो कि एस्ट्रोलॉजी के क्लासिक्स में मेंशन्ड हैं। उसमें जो एक सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो यही था कि शनि जो है वो रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। कोई भी मेलिफिक प्लैनेट स्पेशली सैटर्न राहु एंड मार्स, शनि राहु और मंगल, जब भी ये तीनों एक साथ या तीनों में से कोई भी दो एक साथ रोहिणी नक्षत्र में आते हैं तो वो समय जो है बहुत ही सेंसिटिव समय होता है। अब अभी जो राहु और मंगल एक साथ आ रहे हैं रोहिणी नक्षत्र में, ये इंडिया की कुंडली में इंडिया के लग्न में आ रहे हैं। मंगल जो है वो अग्रेसिव प्लैनेट है, वो फायरी प्लैनेट। हर प्लैनेट के जो है वो तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वीनस और मून जो है वो वॉटरी प्लैनेट्स हैं, वो जल तत्व के ग्रह हैं। ऐसे ही मंगल जो है वो फायरी है, अग्रेसिव प्लैनेट है, अग्नि तत्व का ग्रह है। राहु जो है वो विंडी है, वो हवा हवा तत्व है उसके अंदर। तो क्या होगा मंगल और राहु के एक साथ आने से? आंधी बहुत तेज चलेंगी, इतनी तेज आंधी चलेंगी कि जिससे कि जो है फसल को नुकसान हो सकता है। आप देखिए 22 फरवरी को मंगल ने जो है राशि बदली, मेष राशि से वृष राशि में प्रवेश किया है। 22 फरवरी के बाद एकदम मौसम बदला है, एकदम गर्मी में जो है तेजी हो गई है। सर्दी से गर्मी जो है वो धीरे धीरे होती है, पर अभी पिछले ही हफ्तों में, पिछले हफ्ते में मौसम जो है उसमें एकदम चेंज आया है। तो ये मंगल के चेंज होने के कारण आया है। जो प्लैनेट्स हैं वो जो है डिफरेंट कम्युनिटीज को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे केतु जो है वो सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, राहु भी जो है वो फॉरेन प्लैनेट भी हम उसे कहते हैं कि हम जो फॉरेनर्स को देखते हैं या वो कम्युनिटीज जिनका कि ओरिजिन इंडिया में नहीं हुआ था, जो कि बाहर से इंडिया में आई और फिर विद टाइम इंडिया का ही पार्ट
पार्ट बन गई, हमारे ही देश का हिस्सा बन गई, तो उन कम्युनिटीज को जो है वो राहु रिप्रेजेंट करता है। 1982 से 1988 तक जो है इंडिया की केतु की महादशा चल रही थी, और उसी टाइम पे ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, जो सिख कम्युनिटी थी उसने बड़ा सफ़र किया था, पंजाब में जो है टेररिज्म भी जो है उस टाइम पे बड़ा पीक पे था। तो जैसा मैंने कहा कि केतु जो है वो रिप्रेजेंट करता है सिख कम्युनिटी को, और उस टाइम पे जो है ये सारी समस्याएं जो है सिख कम्युनिटी ने फेस करी। राहु और मंगल जब भी साथ आए हैं, मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बताती हूँ कब कब साथ आए। जैसे ईयर 1947 में साथ आए थे, 65 में साथ आए थे, 74 में साथ आए, ज़्यादा दूर हम नहीं जाते। इवन इन ईयर 2002 मंगल और राहु जो है वो एक साथ कंजंक थे। तो जब जब ऐसा कॉम्बिनेशन हुआ है तब तब जो है कम्युनल ड्रॉइड्स जो हैं वो हमारी कंट्री में हमने देखे हैं, हमने फेस किए। देखिए हम सब लोग समझदार हैं, ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी बनती है एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री कि हम जो है किसी के बहकावे में ना आए, सुनी सुनाई बातों को सुन के रिएक्ट ना करें, कुछ नतीजे ना लें, किसी नतीजे पे ना पहुँचें, नेगेटिविटी को दूर रखें, एक समझदारी से समझदार सिटीजन्स के जैसे जो है बिहेव करें। राहु मार्स का एक साथ होना जो है वो कम्युनल टेंशन को बढ़ा सकता है। मार्स जैसा मैंने कहा फायरी प्लैनेट है, तो आग से रिलेटेड या फायर से रिलेटेड जो है हम कोई ना कोई ऐसा एक्सीडेंट या कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट सुन सकते हैं, सो प्लीज़ बी केयरफुल। राहु जो है वो जैसा मैंने कहा फॉरेन प्लैनेट है, तो फॉरेनर्स को रिप्रेजेंट करता है। ऑल्सो राहु जो है साइबर से रिलेटेड चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है, सो हो सकता है कुछ साइबर क्राइम या कुछ फॉरेन इन्वॉल्वमेंट का, कोई फॉरेन कंट्री का कोई इन्वॉल्वमेंट जिसके कारण कोई साइबर क्राइम या कोई एक्सीडेंट जो है वो हो सकता है। सो दिस इज़ अ सेंसिटिव टाइम जैसा मैंने कहा, तो वी हैव टू बी रियली केयरफुल। स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में जो है उतार चढ़ाव अभी चलता रहेगा। जनवरी में मैंने आपको बताया था कि जुपिटर का जो है प्राइसेस, गोल्ड के प्राइसेस जुपिटर के कारण जो है गोल्ड के प्राइसेस जो है वो थोड़े गिरेंगे। अब जो है मुझे लगता है गोल्ड के प्राइसेस जो है वो धीरे धीरे चढ़ेंगे। ऑल्दो अप्रैल मई में थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा करेक्शन आए, पर अभी जो है थोड़ा सा ट्रेंड जो है वो अपवर्ड रहेगा। पर स्टॉक मार्केट जो है वो ओवरऑल उसमें जो है हमें काफ़ी मेजर फ्लक्चुएशंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा मैंने कहा, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, एज सेंसिबल पीपल ऑफ दिस कंट्री, अगर हमारी कंट्री किसी क्राइसिस से या किसी सेंसिटिव टाइम से गुजर रही है तो यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है अपनी ड्यूटीज़, अपनी सेंसिबिलिटी से उस क्राइसिस के टाइम पे एक साथ रहें और क्राइसिस की सिचुएशन को आराम से क्रॉस होने दें, उसमें कोई रिएक्ट ना करें। सो मैं जल्द ही और अपडेट्स के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलती हूँ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।